हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देख भाई सुन रिव्यूज। आज हम आपके लिए रिव्यू लाए हैं सीरीज टब्बर का। ये सीरीज आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। 8 पार्ट की ये सीरीज जलंधर शहर पे बेस्ड है। जलंधर शहर की एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है, जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे को वो IPS बनाना चाहते हैं और छोटा बेटा पंजाब में ही रहकर यूट्यूब सेंसेशन बनना चाहता है, एक रैप स्टार बनना चाहता है। चूंकि जलंधर शहर की कहानी है तो हिंदी और पंजाबी मिक्स है इसमें, लेकिन कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगता कि पंजाबी समझ में ना आए? तो क्या खास है इस सीरीज में? एक मिडिल क्लास फैमिली है, दो बच्चे हैं, आजकल ऐसी ही तो सीरीज आ रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा। खास इस सीरीज में ये है कि इसका डिस्क्लेमर जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्क्लेमर में हमेशा ये आना चाहिए कि ये एक डार्क थ्रिलर है और आप इसको कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया ना देखें। जी, इस सीरीज में इस परिवार से गलती से किसी की हत्या हो जाती है और उस हत्या को छुपाने के लिए अपने परिवार टब्बर, जी हाँ, फैमिली को टब्बर बोलते हैं पंजाबी में, उसको बचाने के लिए एक फैमिली किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, यही सब इस सीरीज में बताया गया है। ओमकार सिंह, पवन मल्होत्रा, आप जानते हैं पवन मल्होत्रा एक बहुत उम्दा कलाकार है। ओमकार सिंह बने हैं, वो एक्स कॉप है और दो बेटे उनके हैं। अब अपने परिवार को बचाने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी, साधारण सा, आपके जैसा, मेरे जैसा, दरअसल इसमें एक कैच है। क्रिमिनल्स को अगर हम कोई क्राइम करते हुए देखते हैं तो दैट डज नॉट गिव अस ए हाई, एक रोमांच पैदा नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी, आप जैसा, मुझ जैसा, हमारे पड़ोसी जैसा, अगर वो जब हत्या पे हत्या करता जाता है और प्लान करता है हर चीज को, वो चीज एक रोमांच देती है। इस लिहाज से टब्बर एक बहुत एक अलग सीरीज है। पहले ही एपिसोड में दिखाया जाता है कि पवन मल्होत्रा और सुप्रिया पाठक कोई डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे आप इंट्रीक्ड हो जाते हैं, ये किसकी डेड बॉडी है, उनके बेटे की है? कर रहे हैं जी, बेटे की है, बड़े बेटे की है, छोटे बेटे की है। एग्जैक्टली, तो वहीं से आपको ऐसा लगता है कि अब ये देखना चाहिए। उसके बाद बड़े नॉर्मल सीन्स चलते हैं। एक बहुत इंडिकेटिव सीन है, सड़क पे निकलते हैं पवन मल्होत्रा अपने टू व्हीलर में, तो एक पॉलिटिशियन की रैली में वो फंस जाते हैं, तो वो अपनी लेन बदलने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो दूसरे पॉलिटिशियन की रैली में फंस जाते हैं। यहीं से थोड़ा थोड़ा डायरेक्टर ने हमें स्टोरी का हिंट दिया है। ये सीरीज आपको कहीं कहीं दृश्यम की याद दिलाती है और सुप्रिया पाठक, जिनकी आंखों में आप गिल्ट को एपिसोड दर एपिसोड बढ़ता हुआ देखेंगे, मकबूल की टब्बू की हमें याद दिलाती है। उससे ही उसी को इन्होंने एक कदम आगे लेके गए। ओंकार सिंह के रोल में पवन मल्होत्रा ने अपने आप को एक्सेल किया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनका कंपटीशन अपने आप से है। सलीम लंगड़े पे मत रो 80s के अंदर ये फिल्म आई थी और अब उनको पीछे ही एक ग्रहण सीरियल भी मिला था जहां भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन इस सीरियल में तो एक फ्रेम से लेके दूसरे फ्रेम से लेके आगे तक पवन मल्होत्रा अपने आप को ही बीट करते हुए लगते हैं। एक पर्टिकुलर सीन में जब स्थितियां काफी खराब हो जाती हैं, समझ नहीं आता कि अब क्या करूंगा, तो पंजाब के लोकल बार में जाते हैं और शराब का ग्लास भरते हैं और एक शराब पीने के बाद में, और उसके बाद वो डांस करते हैं, यकीन मानिए वो सीन अपने आप में देखने वाला है। परफॉर्मेंसेस इस सीरीज में सबकी बहुत अच्छी हैं, चाहे उनके बेटे हो, चाहे नेबर हो, चाहे उनके भाई के बेटे, लक्की हैप्पी, हाँ ये भी बड़ा अच्छा दिखाया है, जैसे बच्चों के नाम पे पंजाब में घर रख लेते हैं, एक लक्की हाउस है, एक हैप्पी हाउस है, और म्यूट टोन में शूट किया है ये सीरीज। आप कलर्ड तो है लेकिन आपको कोई कलर इस मूवी में नहीं दिखेगा, ये भी यही दिखाते हुए कि ये एक डार्क सीरीज है। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक स्नेहा खनवालकर ने दिया है, जो कि सीरीज के मूड को काफी एनहांस कर रहा है, वो कहीं पे भी थोपा हुआ नहीं लग रहा। अभी रिसेंटली हमने एक कैंडी सीरीज भी देखी थी, उसके अंदर चाहे कोई भी सीन चल रहा हो, कोई भी मूड हो, उसमें एक ही डायरेक्टर, वो कुछ हेल्प नहीं करता सीन को एनहांस करने में, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं सीरीज के बारे में, क्योंकि जैसा हमने बताया एक मस्ट वॉच सीरीज है, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा, आपके देखने के मजे को कुछ हद तक कम कर देगा। पवन मल्होत्रा ओंकार सिंह के रोल में है और सुप्रिया पाठक उनकी पत्नी सरगुन बनी है। अजीत सोधी के रोल में जो लोकल पॉलिटिशियन है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, रणवीर शोरी है और उन्हीं का एक हेंचमैन है अली मुगल, मुल्तान के रोल में है, वो छोटा सा रोल एक अच्छा बन पड़ा है। गगन अरोड़ा बड़े बेटे बने हैं, हैप्पी के रोल में है, अच्छी राइटिंग से बैड रोल में वो कंफर्टेबल नजर आते हैं।
आपने उनके पहले सीरीज कॉलेज रोमांस और गर्ल्स हॉस्टल देखी है, उससे भी काफी आगे बढ़ गए हैं। परमवीर चीमा लकी हैं, ओंकार के बड़े भाई के लड़के हैं, पुलिस में हैं, अपनी एक्टिंग से प्रभावित करते हैं। छोटे भाई तेगी के रोल में साहिल मेहता ने भी अच्छा काम किया है। यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा नुपुर नागपाल पलक के रोल में है, एक चर्बी नेक्स्ट डोर गर्ल है। अपने आप को अच्छा ट्रांसफॉर्म उन्होंने किया है सीरियस रोल के लिए, स्क्रीन पर वो अट्रैक्टिव लगती है। डायरेक्टर अजीत पाल सिंह ने सारी सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से शूट किया है और सबसे बढ़िया बात है हर एपिसोड देखने के बाद हमें लगा रहता है कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा, तो आप वर्चुअली चिपके रहते हैं उससे। लेकिन थोड़ी सी मुझे आपको प्रॉब्लम यहाँ बता देनी चाहिए, एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं और जितनी आसानी से वो मर्डर हो रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा क्वेश्चन लगता है। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसको बहुत ही आसानी से बदल दिया जाता है, जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको भी ये सवाल लगेगा। एक और आजकल थोड़ा हर सीरीज में हर फिल्म में कोहेन ब्रदर्स की नकल करने की कुछ एक रीति रिवाज चल पड़ा है। यहां पर भी एक एसेसिन डुओ है, ब्रदर और सिस्टर है, बिल्कुल कोहेन ब्रदर की सीरीज से फिल्म से मारे हुए कैरेक्टर है वो, जबकि वो रिडंडेंट है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। सीरीज की एंडिंग हमें झकझोर देती है, हालांकि थोड़ी सी अनरीजनेबल हो जाती है क्योंकि जब सीरीज शुरू होती है तो मेन मुद्दा तो यही था कि परिवार को बचाना है, तो क्या अंत में उसी परिवार के साथ वो सब किया जा सकता है जो सीरीज के एंडिंग में हुआ? लेकिन ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, आप इसको जरूर देखिए। रेटिंग की बात करें सीरीज को तो कितने स्टार्स देंगे आप आउट ऑफ 5? मैं तो इसको 5 में से 4 देना चाहूंगा। 4? जी, पवन मल्होत्रा ऑल द वे, 80% उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है और बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिली है। आप जरूर ये सीरीज देखिए, हमें कमेंट करके आप बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम रिव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।